last lecture we learn about subtraction of 5-digit number without borrowing. Yes, I hope you all remember. जिस तरह से हमने subtraction किया था 3-digit number, 4-digit number, and similarly we learn ki how we can subtract 5-digit number without borrowing. Yes, then we see example. हमने examples देखे थे. Now in this lecture we are going to learn about subtraction of 5-digit number by borrowing. Okay, so in जिस तरह additions में हम एडिशन करते हैं, एडिशन ऑफ नंबर बाय बोरोइंग, एडिशन ऑफ नंबर विदाउट बोरिंग, विदाउट कैरी और विथ कैरी, उसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन में भी बाय बोरोइंग और विदाउट बोरोइंग करते हैं. ठीक है, सो हेयर एग्जांपल यू कैन से, यू कैन सी, सो एग्जांपल इज यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 16,324 minus 85, 8516. Yes, students, you have to subtract 16,324 minus 8516. Okay, आपको क्या करना है, इसको subtract करना है. So first word, what we will do, we will write first number. Here we write first number as you can see in the screen. हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर लिखेंगे, देन बिलो दिस नंबर वी विल राइट सेकंड नंबर. ओके, सो सेकंड नंबर हियर इज 8516. नाउ एज यू नो वी ऑलवेज स्टार्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रॉम यूनिट प्लेस. सो हियर इज यूनिट प्लेस, हियर इज टेंस, 100,000, देन 10,000. यू नो इन 5-digit नंबर देयर इज अ another unit place which is a 10,000. okay, in four digit number there is a only up to numbers 1,000, but in 5-digit number there is a another unit place which is 10,000. okay, so here humne kya kiya, yahan par unit places likh liye sabke. Now we will subtract. okay, so first we will start from unit place. Yes, in unit place you can see the number 4 and 6. So students, 4 minus 6, 4 minus 6, we have to subtract 4 minus 6. So students, tell me, can we subtract 4 minus 6? Yes, mention in the chat box, can we subtract? No. Yes, exactly. Why? But why we can't subtract 4 minus 6? So students, here you can see the 4 number is smaller than 6. 4 number kya hai? 4 jo number hai wo 6 se chota hai. So hum 4 ko 6 se subtract nahi kar sakte. So what we will do? Hum kya karenge? So we will borrow. Okay, हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे, बोरो करेंगे हम नेक्स्ट नंबर से, जो इसका नेक्स्ट नंबर है वहां से हम बोरो करेंगे. सो हेयर इज नंबर 2, तो हमने क्या किया, 2 से बोरो कर लिया. नाउ जो ये 4 है, दिस फोर नंबर, ये 4 नंबर क्या करेगा, मैजिक दिखाएगा. क्या मैजिक दिखाएगा, अभी ये 4 नंबर जो है ना वो 14th बन जाएगा, बिकॉज इसने क्या किया, इसने 1 बोरो लिया, बोरो किया फ्रॉम नेक्स्ट नंबर. एंड जो ये 2 था वो 2 कैंसिल करके हम यहाँ पर 1 लिख देंगे. 1 क्यों लिखा हमने, क्योंकि 1 उसने 4 को दे दिया. ओके, सो नाउ 4 हम क्या करेंगे, कट कर देंगे, 4 को हम कट कर देंगे. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू नेक्स्ट, नाउ हेयर इज 14, हेयर इज 14. सो 14 माइनस 6, कैन वी सब्ट्रैक्ट नाउ, क्या हम अब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 14 माइनस 6? यस, मेंशन इन द चैट बॉक्स, कैन वी सब्ट्रैक्ट 14 माइनस 6? यस, ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली राइट. अब हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 14 माइनस 6, बिकॉज़ 14 इज ग्रेटर देन 6. सो व्हाट विल बी द आंसर, 14 माइनस 6, लेट्स काउंट बाय ड्रॉइंग लाइंस. So 1, 2, 14. 14 minus 6 करना है. So first of all we will draw 14 lines. Yes. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
11 12 13 14 ओके नाउ वी हैव टू सबट्रैक्ट 6 सो वी विल कट 6 लाइंस तो हमने यहां पर सिक्स लाइंस को कट कर दिया 1 2 3 4 5 6 नाउ वी विल काउंट रिमेनिंग लाइंस सो हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहाँ पर कितने लाइंस बचे 8 लाइंस आंसर विल बी 8 ओके सो हियर 8 आंसर क्या आंसर क्या आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा ओके नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप अब हमने क्या किया यूनिट प्लेसेस में जो भी डिजिट्स थे उसको हमने सबट्रैक्ट कर लिया नाउ नेक्स्ट स्टेप यू नो यूनिट प्लेस के बाद हम कौन से डिजिट्स को सबट्रैक्ट करते हैं टेंस डिजिट यस टेंस डिजिट सो हियर यू कैन सी टेंस डिजिट 2 तो ऑलरेडी कट होके 1 बन गया बिकॉज क्योंकि 2 ने क्या किया था 1 दिया था 14 को 4 को दिया था ओके सो हियर इज 1 - 1 ओके सो 1 - 1 विल बी 0 1 - 1 विल बी 0 हो जाएगा नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट हम क्या करेंगे नेक्स्ट वी विल सबट्रैक्ट 100 प्लेस डिजिट सो इन 100 प्लेस डिजिट इन 100 प्लेस देयर इज अ नंबर 3 - 5 यस प्रज्वल आई विल क्लियर योर डाउट आफ्टर दिस ओके सो 3 - 5 सो स्टूडेंट्स अगेन 3 - 5 कैन बी सबट्रैक्ट 3 - 5 कैन बी सबट्रैक्ट मेंशन इन द चैट बॉक्स नो वी कांट सबट्रैक्ट बिकॉज 3 इज स्मॉलर देन 5 सो व्हाट वी विल डू अगेन वी विल बोरो फ्रॉम नेक्स्ट नंबर जो 3 के बाजू में जो नंबर है वो कौन सा नंबर है टेल मी द नेक्स्ट नंबर 2 3 इज विच नंबर मेंशन इन द चैट बॉक्स यस 6 वेरी गुड मानसवी अमृता तो हम क्या करेंगे 6 से बोरो करेंगे यस सो 3 विल बिकम 13 यस 3 विल बिकम 13 एंड 6 ने 1 दे दिया तो 6 विल बिकम 5 यस Now 13 - 5 कितना होगा स्टूडेंट्स 13 - 5 = 8 यस जिस तरह से हमने लाइन्स ड्रॉ करके कट किया था आप वैसे कर सकते हो ओके सो 13 - 5 = 8 नाउ लेट्स मूव फर्दर हियर इज 5 अगेन 5 - 8 So again 5 - 8 5 is smaller than the 8 so we can't subtract we will borrow सो 5 हम क्या करेंगे बोरो करेंगे यहाँ से नेक्स्ट नंबर से सो 1 से हम बोरो किया 5 बिकम 15 एंड हियर इज 1 विल बी 0 सो 15 - 8 कितना होगा स्टूडेंट मेंशन इन द चैट बॉक्स 7 वेरी गुड सो 7808 दिस इज आवर आंसर सो इन दिस वे यू हैव टू सबट्रैक्ट यू हैव टू सबट्रैक्ट 5 डिजिट नंबर बाय बोरोइंग ओके आई होप आप लोगों को सबको समझ में आया होगा सो स्टूडेंट्स हियर इज सेकंड एग्जांपल यू हैव टू सबट्रैक्ट 56824 माइनस 32465 ओके सो फर्स्ट यू नो स्टूडेंट्स फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम यूनिट प्लेस यस हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं हमेशा यूनिट प्लेस से स्टार्ट करते हैं सो हियर वी विल स्टार्ट फ्रॉम यूनिट प्लेस सो इन यूनिट प्लेस देयर इज अ डिजिट 2 डिजिट हियर सो वी हैव टू सबट्रैक्ट 4 - 5 नाउ स्टूडेंट टेल मी 4 - 5 वी कैन सबट्रैक्ट नो व्हाई बिकॉज 4 इज स्मॉलर देन 5 सो हम 4 में से 5 को माइनस नहीं कर सकते यस अगर सपोज एग्जांपल लेते हैं ओके स्टूडेंट सपोज आपके पास 4 पेन्स है ओके आपके पास कितने पेन्स है 4 पेन्स है ओके एंड आपके फ्रेंड ने आपसे बोला कि मुझे 5 पेन चाहिए ओके सो कैन यू गिव 5 पेन्स नो बिकॉज यू हैव ओनली 4 पेन्स आपके पास तो सिर्फ 4 पेन्स है तो आप क्या करोगे आप क्या करोगे आप एक पेन दूसरे फ्रेंड से लोगे आप किसी दूसरे फ्रेंड होगा जो आप उससे पेन लोगे तो आपके पास कितने हो जाएंगे
5 पेंस हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक बोरो किया, आपने क्या किया, एक बोरो किया किसी और से। ठीक है, तो आपके पास जब 5 पेन हो गए, फिर आपने अपने वो फ्रेंड को दिया जिसने आपसे 5 पेन मांगा था। ओके, सिमिलरली दिस, ये हम नंबर्स में करते हैं। ओके, नंबर्स अगर स्मॉलर है तो हम क्या करते हैं, बोरो करते हैं फ्रॉम नेक्स्ट नंबर। हेयर यू कैन सी द नंबर 4, नंबर 4 एंड नंबर 5। सो नंबर 4 इज स्मॉलर देन 5, सो व्हाट